बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का प्यार लॉकडाउन के बीच में भी परवान चढ़ रहा है। भले ही ये दोनों साथ ना हो लेकिन एक दूसरे को याद जरूर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर रोमांटिक पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं। अब आसिम ने हिमांशी के लिए एक खूबसूरत सी कविता लिख डाली है। जी हाँ, क्वारंटीन में उनके अंदर का कवि बाहर निकल आया है और उन्होंने पंजाबी में अपनी लेडी लव के लिए कुछ शब्द लिखे हैं। इस कविता में उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और हिमांशी को बातें करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया, कैसे दोनों अब एक दूसरे की जान बन गए हैं। दर्द अगर आसिम को होता है तो रोती हिमांशी है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि वो कैसे हिमांशी से मिलने के लिए दिन गिन रहे हैं। बता दें कि हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की मोहब्बत बिग बॉस 13 में शुरू हुई थी। दोनों पहले दोस्त बनी और फिर देखते ही देखते दोनों को प्यार हो गया। आसिम ने बिग बॉस के घर में हिमांशी को प्रपोज भी किया था। माना जा रहा है कि दोनों बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद से ही एक घर में रह रहे हैं। हालांकि आसिम के घर वाले इस रिश्ते को पसंद नहीं करते। खास बात ये भी है कि आसिम और हिमांशी ने नेहा कक्कर के गाने कल्ला सोना नई के म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था। दोनों की मस्ती और केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आई थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।